ओके, 10th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब प्रीवियसली हमने देख लिया था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन के अलग अलग वर्सेटाइल नेचर है, फिर कार्बन में से अलग अलग कई बॉन्डिंग के कारण। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमोनियम साइनेट में से यूरिया, मीन्स कई कई बॉन्डिंग हम बना सकते हैं। तो कार्बन में दो पार्ट्स होते हैं, एक है सैचुरेशन एंड दूसरा है अनसैचुरेटेड। तो ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो उसके पहले हमको ये समझना जरूरी है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कौन सा है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये पार्ट हो गया आपका सैचुरेटेड का और ये पार्ट हो गया आपका अनसैचुरेटेड का। ये पार्ट हो गया अनसैचुरेटेड का। तो सैचुरेटेड मीन्स, मान के चलो आप, सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। फिर से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड रहता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन में डबल या तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसको हम बोलते हैं आल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आल्केन बोलते हैं। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम आल्केन बोलते हैं। कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको हम आल्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्किन। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम अल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइन। क्या बोलते हैं? अल्काइन। क्या बोलते हैं? अल्काइन। ओके, आल्किन, अल्काइन। फिर से तो यहाँ पे अल्केन में जो जो भी रहेगा उसके पीछे ए एन ई लगेगा। क्या लगेगा? ए एन ई। तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड में ए एन ई लगेगा, यहाँ पे अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है तो उसके पीछे ई एन ई लगेगा। क्या लगेगा? ई एन ई लगेगा। फिर ये अल्काइन, क्या है? अल्काइन। तो ये यहाँ पे पीछे वाई एन ई लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पे वाई एन ई लगेगा। तो फिर से सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे इसको बोलते हैं अल्केन, इसको बोलते हैं अल्किन और इसको बोलते हैं अल्काइन। तो यहाँ पे पीछे ए एन ई लगता है, यहाँ पे पीछे ई एन ई लगता है और यहाँ पे पीछे वाई एन ई लगता है। तो ऐसे करके आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को साथ साथ में रख सकते हो। तो अभी ये बात होगी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला लिखने को आए कि फॉर्मूला कैसे बना सकते हो आप, फॉर्मूला इसका कैसे बना सकते हो, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना है, इसके पहला तो कॉमन फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका कॉमन फार्मूला है अल्केन का CnH2n+2। इसका कॉमन फार्मूला क्या है? CnH2n+2। फिर इसका कॉमन फार्मूला है CnH2n। क्या है इसका कॉमन फार्मूला? CnH2n। और इसका कॉमन फार्मूला कौन सा है? CnH2n-2। फिर से अल्केन का कॉमन फार्मूला है CnH2n+2, अल्किन का कॉमन फार्मूला है CnH2n और अल्काइन का कॉमन फार्मूला है CnH2n-2। तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करो, तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो C1H2 n की जगह पे 1+2। तो ये क्या हो गया? C1H4। तो अल्केन में फर्स्ट जो है वो उसका फार्मूला रहेगा CH4। क्या रहेगा? CH4। यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करो तो क्या आएगा? n की जगह पे 1 तो CH2। लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? n इज इक्वल टू 2। तो n की जगह पे 2 पुट करो तो n की जगह पे 2, H यहाँ पे 2 और n की जगह पे फिर से 2, तो C2H4। ये क्या हो गया? C2H4। और यहाँ पे n की जगह पे अगर 2 रखेंगे हम तो C2H22-2। तो ये C2 हो गया, ये H2 2 2 4 4-2, तो ये H2 हो जाएगा, तो C2H2। तो फिर से यहाँ पे जो फर्स्ट है अल्केन में, फर्स्ट है वो आ जाएगा CH4। अल्केन में जो फर्स्ट है वो आ जाएगा CH4। यहाँ पे अल्किन में जो फर्स्ट है वो आ जाएगा C2H4 और अल्काइन में जो फर्स्ट है वो आ जाएगा C2H2। ओके, तो ऐसे करके फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन आप बना सकते हो। तो इसका कॉमन फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, ये हो गया CnH2n, ये हो गया CnH2n-2। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2। ओके, तो CnH2n+2, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करो, n इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया फर्स्ट। इसको बोलते हैं मिथेन, कार्बन एक है इसलिए मिथेन। और C2H4 तो इसको बोलते हैं इथिन, और ये है C2H2 तो इसको हम बोलते हैं इथाइन। इसको क्या बोलते हैं? इथाइन। तो ऐसे करके आप किसी भी फॉर्मूला बना सकते हो।